अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द प्रोडक्ट इंसाइक्लोपीडिया चैनल। आज मैं जिस प्रोडक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, एक सिंपल प्रोडक्ट है, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे डेली यूजेज में आता है, स्पेशली बच्चों वाले घर में, बटर। और आपको पता है कि बटर के काफ़ी फ़ायदे हैं और ये ज़रूर खाना चाहिए, स्पेशली बच्चों को। आप प्लीज़ फॉर गॉड्स सेक मार्जरीन ना यूज़ करें और कोई ऐसे बटर के प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें जो कि ऑथेंटिकेटेड नहीं है। ये लोरपैक प्रोडक्ट है जो कि मैं आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और लोरपैक एक सऊदी अरेबिया का प्रोडक्ट है, काफ़ी कंट्रीज़ में इसको ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी आता है। और इसमें दो इसकी वैरायटीज़ हैं, एक इसका सॉल्टेड है और एक अनसॉल्टेड है। मैं अनसॉल्टेड ज़्यादा शौक से यूज़ करता हूँ, और एक अच्छा प्रोडक्ट है ये, क्योंकि ये एक प्योर आपको मक्खन की फॉर्म मिलती है इसमें। इसमें कैलोरीज भी हैं और ये एक तरीके से हेल्दी भी है, जबकि बाकी के जो उनसे मक्खन है वो क्लेम करते हैं कि वो मक्खन है, वो बटर है, लेकिन वो बटर नहीं होता। और वो यूजली जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स हैं और तरह की चीज़ें डली हैं। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहती हैं जो कि आपके लिए अच्छी बेनिफिशियल हो, तो उसमें एक लोरपैक भी आपकी उसमें लिस्ट में होना चाहिए। और मैं तो शुरू से सजेस्ट करता हूँ कि आपको दो चीज़ों पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान में, एक बटर पे और दूसरा आपको मिल्क पे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ हो रही हैं, और स्पेशली जो हम लोग खुला दूध देते हैं और खुला जो हम मक्खन लेते हैं वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगती हैं उसमें, जो अपना एनिमल्स हैं उनको, और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की वजह से जो है उसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आते हैं, और बड़े स्वेयर किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। खैर, उस डिटेल में तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन बेहतर है कि आप उस चीज़ से जो है बचें और आप ऐसे प्रोडक्ट्स लें। और सऊदी अरेबिया में क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट उनका कंट्रोल है, काफ़ी स्ट्रिक्ट वहाँ पर लॉज हैं, शरिया लॉज हैं, और वहाँ पर वो सज़ा भी देती हैं अगर कोई मिलावट हो और कोई चीज़ जो है जिसमें कोई भी वो ऐसी मिक्सिंग हो या कुछ और उसको एनहेंस करने की कोशिश करें ऑक्सीटोसिन के ज़रिए। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, लोरपैक मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप ऐसे मजीद अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, अल्लाह हाफिज़।